आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबकी नजर बहन कुमारी मायावती बीएसपी के सुप्रीमो पर लगी हुई है। क्या 2019 में मायावती बना पाएंगे अपनी सरकार? ये विषय बहुत गहरा है, क्योंकि बिना मायावती के अब नहीं बनने वाली कोई भी सरकार। आज पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का शंखनाथ हो चुका है और राजनीति पारा सर चढ़कर बोल रहा है, और दूसरी पार्टियों के अंदर भी गठजोड़ शुरू हो गया है। तोड़ने जोड़ने की राजनीति बहुत अच्छे से शुरू हो गई है और सभी पार्टियों ने अपनी राजनीति बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष पार्टियां हैं जो मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दे रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच सुर्खियों में रहने वाली मायावती, जिन पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं, यूपी के चुनावों में मिली जीत से मायावती का दल और संगठन और कद कायदा बहुत मजबूत हो गया है, जिससे पूरे देश के बहुजन समाज की नजर आज बहुत अच्छे से गौरवान्वित महसूस करते हुए कि बहन कुमारी मायावती की सरकार ही 2019 में बनेगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने भी अपनी गठजोड़ की राजनीति पूरे अच्छे से बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने भी इस चीज को अच्छे से समझा कि बिना गठबंधन किए जीता नहीं जा सकता, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन मायावती ने कांग्रेस को झटका देते हुए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके पूरे देश को चौंका दिया है, और जनता देश भर में 60 सालों से राज्य करने वाली कांग्रेस पार्टी को पूछ भी नहीं रही है। इस बड़े झटके से बहन कुमारी मायावती को कहीं ज्यादा समर्थन मिलने लगा है अलग अलग पार्टियों का, और इसी नजरिए से 2019 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए तत्पर तैयार है बहन कुमारी मायावती की सरकार। सभी खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुजन समाज की सभी खबरें देख सकें आप सबसे पहले। अगली खबर आने तक तब तक के लिए दीजिए इजाजत।